पंचगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। दादा, बांग्लादेश के अंदर अभी आप आए हैं इंडिया में, तो बांग्लादेश का माहौल कैसा दिखा? माहौल तो बहुत खराब दिखा, आया बहुत दिक्कत में, बस नहीं चल रहा है, ऑटो में आया। तो कोई वायलेंस दिखा आपने जहाँ पे? उधर तो बहुत चल रहा है, डायरेक्ट समझ लो गोली गला भी हो रहा है, छात्र लीग में आंदोलन कर रहा है उसकी वजह से। तो रस्ते में क्या दुकान फाट खुला था या? बहुत कम था खुला, लेकिन बहुत कम था, दो तीन ऐसे, एक मार्केट में रख लो 100 दुकान है तो दो तीन ही खुला है बस। आने में काफी तकलीफ हुआ। कभी जैसे से पहुंच गए हैं इंडिया, तो कैसा आप लोगों को बीएसएफ से किस तरह का सहयोग मिला या? ना, बीएसएफ तो हमारा चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी घर जाएंगे? अभी हम घर जाएंगे। कहाँ से कहाँ जा रहे हो? बांग्लादेश से डॉक्टर दिखाने आए थे सिलीगुड़ी, तो अब दिखाया हो गया, हम घर जाएंगे। बांग्लादेश में कहाँ घर हुआ? डोमर, लीलभामारी डोमर, वहीं पर घर है। तो बांग्लादेश के बाहर है आप कई दिन से, तो अभी बांग्लादेश का सिचुएशन क्या? नव तो सुन रहे बहुत खराब है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब घर जा रही हूँ, बच्चा को भी छोड़ कर आई हूँ, एक उसका चलते तो हमको रहेगा ही, दिल ही नहीं कर रहा, रो का दिल कर रहा है। तो मन में डर है क्या? बच्चा खातिर जाने सब हिफाजत में रहे, बोल बांग्लादेश जाने सब हिफाजत में रहे, यहाँ फिर रहे वहाँ फिर रहे, मेरे बेटी को बेटी को छोड़ कर आना। तो यहाँ कोई समस्या हुआ आपको इंडिया में? नहीं, यहाँ बहुत अच्छा जगह है, यहाँ बहुत अच्छा है। तो अभी आप वहाँ जाएंगे? हाँ, एक लड़की रखा है तो उसी के पास जाएंगे। बातचीत हुआ किसी प्रकार से? हुआ है, मैंने नेट बंद है, मोबाइल में हो रहा है, देख के तो नहीं हो रहा है। खबर क्या आ रहा है आपके पास? अभी नहीं आया है, एक बार फिर नहीं आया है। क्यों, बात क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा, नेट बंद है, सब कुछ तो बंद करके रख दिया है इसलिए। क्या चाहेंगे आप? क्या चाहेंगे आप? हम तो कुछ नहीं, हमको चाहिए नेट खोल दो, अच्छा से सब देश शांति रहो, यही चाहते हैं हम लोग और कुछ नहीं। तो अच्छा किया है ना, अच्छा ही किया है, हमारी स्टूडेंट के ऊपर बहुत जुल्म किया है उन्होंने, तो अभी तो अच्छा ही हुआ जो हुआ। आगे क्या होगा? आगे देखते हैं क्या होगा, अभी तो शायद मतलब सेनाबाहिनी के हाथ में गया है ना, तो अभी देखा जाएगा सामने क्या होगा। आम आदमी के हिसाब से आप क्या चाहते हैं? हम अभी चाहते हैं जो भी गवर्नमेंट आए वो आगे से ऐसा ना करे स्टूडेंट के साथ, यही चाहेंगे और क्या। सर, क्या अभी सूचना मिल रहा है आपको बांग्लादेश? बांग्लादेश सुना जे शेख हसीना देश छोड़ के चली गई है, अभी नया गवर्नर वो आपका चार्ज ले लेगा, उसके बाद क्या होगा ये तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो देश किस तरफ जा रहा है, क्या लग रहा है? देखिए, बांग्लादेश का हालात कुछ दिन खराब था, अभी तो अभी तक खराब है, बाकी अल्लाह जाने क्या होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, चैन से रह सकें, चैन से खा सकें, बाल बच्चा लेके इत्मीनान से रह सकें, कोई कानूनी कोई चीज धक ना आए बस। अभी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या दुकान पार्ट कैसा खुला है क्या? मैंने कुछ दिन मैंने थोड़ा दिन सुबह से लेके 5 बजे तक खुला था, आदमी आतंक में है, गांव के आदमी लोग सोचते हैं शहर में जाएंगे क्या होगा नहीं होगा। जैसे देखिए, हमारा घर नीलभामरी डोमर है, मेरा बेटी हमको फोन करके बोली, अब्बू तुमको आज आने का जरूरत नहीं है, तुम इंडिया में ठहर जाओ। हमने बोला जे नहीं, हम घर चले आ रहे हैं, तो तुमको घर आने का जरूरत नहीं है, बंगला बंदा में रेस्ट हाउस है, वहां रात को ठहरो, देश का हालत देखो, उसके बाद मुक करो। डर है आपके मन में? नहीं, हमारा मन में डर नहीं, रास्ता का हालत तो सही नहीं है। मेरा बेटी जब हमको बोली जब अब्बू तुमको आने का जरूरत नहीं है, तुम फुल बंगला बंदा में रेस्ट हाउस में रहो, रास्ता का हालत सही जब होगा तब तुम आओ, तुमको हिंदुस्तान में 2-4 दिन आना चाहिए था, लेकिन हमने तो आ गया, पासपोर्ट एंट्री हो गया, अब जा रहे हैं।
हमको तो हम बांग्लादेश जाने पड़ेगा। क्या घूमने आए थे? हाँ घूमने आए थे।